सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइकरान, आप देख रहे हो महीने की मर। तो आज मैं वापस से खेलने जा रहा हूँ कार फसल। भाई इधर कचरा कौन फेंक कर जाता है यार, वो भी अपने शोरूम के सामने इसने फेंक कर गया। भाई डस्टबिन में डालना चाहिए ना, ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो गाइस आज मैं अपने सारी रेयर कार्स को बेचने वाला हूँ। तुम लोग देख सकते हो एकदम मैंने सब कुछ एकदम सजा के रख दिया, अभी बस हमें बेचना ही है। वैसे भी आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि मैं सारे गाड़ियां बेचने वाला हूँ। तो मेरे पास कितने गाड़ियां है वो मैं आप लोगों को एक बार गिनकर बता देता हूँ। इधर देख सकते हो एक माजडा है और इधर एक और माजडा है, इधर दो ही माजडा है। और ये कार मेरे को क्रिसमस इवेंट में मिली है, आई थिंक ये उससे भी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये सिर्फ इवेंट्स में मिलती है। और बाकी इधर मेरे पास 5 निशान GTR है और इधर तुम देख सकते हो इधर एक और निशान GTR है। तो पूरे मेरे पास 6 निशान GTR है और इधर एक और येल्लो कलर का मेरे पास माजडा है और आई थिंक एक और होनी चाहिए। ओके देख सकते हो इधर एक और है। तो इधर मेरे पास पूरे 4 माजडा है और इधर एक पोर्श है, ये मेरे को हैलोवीन इवेंट में मिला है, ये भी मैं आज बेचने वाला हूँ। ये मैं काफी टाइम से बचा के रखा था लेकिन ये आज मैं सेल करने वाला हूँ। और यही नहीं, और भी बहुत सारे मेरे पास माजडा है, तुम लोग देख सकते हो ऊपर भी मैंने गाड़ियां रखी है। तो इधर कितने गाड़ियां है मैं आप लोगों को एक बार गिनकर बता देता हूँ। तो ये रेड कलर का माजडा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे के पूरे 9 माजडा इधर है। नीचे मेरे पास 4 माजडा है, तो इसके मतलब पूरे के पूरे 13 माजडा मेरे पास अभी है। इन सारे को मैं आज सेल करने वाला हूँ। तो गाइस पिछली बार मैंने 11 फेरारी FX को बेचा है और आज मैं 13 माजडा को बेचने वाला हूँ और 6 निशान GTR और 2 बहुत ही ज्यादा रेयर कार जो इवेंट्स में मेरे को मिली हैं। इन सारे गाड़ियों को आज मैं सेल करने वाला हूँ और मेरे पास कितने पैसे हैं तुम लोग देख सकते हो। तो मेरा टारगेट एक ही है कि मेरे को $100 million कंप्लीट करना है। तुम लोग देख सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा नजदीक हूँ, मेरे पास $81 million है। अभी मेरे को और $19 million चाहिए। आई थिंक मैं इतने सारे गाड़ियां बेच दूंगा तो आराम से बन जाएंगे, जिसका मतलब आप इंडियन करेंसी में बोल सकते हो कि 10 crores। आई थिंक इतने सारे पैसे तो इस गेम में किसी के पास भी नहीं हो सकती हैं। तो आज मैं यही अचीव करने वाला हूं। तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलो चलते हैं और अपने सारे गाड़ियों को बेचते हैं। मेरा टारगेट जो है ना उसे मैं कंप्लीट करता हूं। तो पूरे 21 कार्स आज मैं बेचने वाला हूं। तो जल्दी से सारे गाड़ियों को एकदम मैक्स प्रेस रखते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे पैसे चाहिए। $100 million का टारगेट जो है ना उससे मेरे को कंप्लीट करना है। ओके ये हैलोवीन इवेंट में मेरे को पोर्श मिला है ना, वो वाली गाड़ी है, आई थिंक यही सबसे ज्यादा सस्ती गाड़ी है सिर्फ $3 lakh की। ओके ये गाड़ी निशान GTR है, 12 lakh 50 हजार में बिकेगी। ये भी निशान GTR ही है, 11 lakh 40 हजार में बिकने वाली है। ये भी निशान GTR है, इसे मैंने शायद ऑक्शन में खरीदा है। इसका मैक्स प्राइस $11 lakh 85 thousand है। ओके ये माजडा है, शायद मेरे को ये रेस में मिली है, 8 lakh। भाई ये बहुत ही कम प्राइस में बिक रही है ना, पता नहीं क्यों। ओके ये भी माजडा है, इसका कितना प्राइस है भाई, 9 लाख। कितना कम प्राइस क्यों है भाई इसका, भाई माजडा इतना कम में कब से बिकने लगी। ओके ये भी 9 लाख में ही बिकने वाली है। तो ये निशान GTR है, ये मेरे को रेस में मिली है, ये अच्छे प्राइस में बिकने वाली है, 11 लाख 40 हजार में। ओके ये माजडा है, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 8 लाख 40 हजार ही है। तो मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि $100 million करना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि मैंने तो एज्यूम किया कि माजडा कम से कम $10 million तो आराम से बिकेगी, लेकिन इधर तो 8 लाख दिखाई रही है। इसका मतलब और ज्यादा बार्गेनिंग होगी और भी बहुत ज्यादा कम कर मेरे को बेचना पड़ेगा। मेरे को तो लगा कि मैं इस वीडियो में कर लूंगा लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं जितना हो सकता है मैं सारे गाड़ियों को मैक्स प्राइस रखने वाला हूँ, फिर मैक्स प्राइस में ही उनसे बात करेंगे। फिर भी शायद मेरे को ऐसा लगता है कि $100 million तो खत्म हो ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है जल्दी से मुझे नीचे जाकर कमेंट कर बताओ। तो सबसे पहले तो मैं इन सारे गाड़ियों को एक एक करके सेल पे लगा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। वैसे भी मैंने ऑलमोस्ट सारे गाड़ियों को सेल पे लगा ही दिया, अभी कुछ ही गाड़ी बाकी है उसे मैं सेल पे लगा देता हूँ। तो ओके गाइस यही आखिरी गाड़ी थी, इसे भी मैंने सेल पे लगा दिया 9 lakh 30 thousand का। तो अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे गाड़ियों को सेल पे लगा दिया, अभी सिर्फ हमें बेचना है और कैसे भी कर मेरे को $100 million का जो गोल है ना आज मेरे को कंप्लीट करना ही है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारे गाड़ी सेल पे लगी है ना। हाँ इधर तो सारे गाड़ी सेल पे लगी है। एक बार मैं ऊपर भी चेक कर लेता हूँ इधर क्या हाल है। ओके इधर भी सारे के सारे गाड़ियां सेल पे
है, इधर भी सेल पे है, तो अभी तो सिर्फ कस्टमर्स का आने का वेट करते हैं। तुम लोग देख सकते हो सारे के सारे गाड़ियां सेल पे हैं, अभी बस बेचना ही बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं इधर ऑफिस को ओपन करता हूँ। आई थिंक अभी कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके, कस्टमर्स आने स्टार्ट हो भी गए, मैं तो थोड़ी देर वेट करूंगा। बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे तो मेरे पास चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि फिर मैं बहुत सारे कस्टमर्स को भी बात कर सकता हूँ। तब जो ज्यादा मैक्स प्राइस देगा उससे हम बात करेंगे। वैसे भी अपने काफी ज्यादा गाड़ियां जो है ना सस्ते प्राइस में बिक रही है, तो ये काम मेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा $100 मिलियन का जो टारगेट है वो तो खत्म नहीं होगा। तो थोड़ी देर कस्टमर्स आने का वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो कुछ कस्टमर्स तो चले जा रहे हैं, इसका मतलब काफी सारे कस्टमर्स आ गए, तो मैं इनसे बात करता हूँ। ओके भाई, सब तो आप कितना प्राइस बता रहे हो? देखो निशान GTR है, बहुत ही रेयर कार है, 9,50,000। अच्छा ठीक है, आपने उतना भी कम प्राइस नहीं बोला, मैं काम करता हूँ, आपको 50,000 कम कर देता हूँ, $12,00,000। आई थिंक ये काफी अच्छा प्राइस है, ले लेनी चाहिए। और ये निशान GTR क्या भाई? भाई इसने निशान GTR को ना बोला, क्या बेकार इंसान है भाई। अगर सच में उतना प्राइस में मेरे को खुद को भी मिलता तो भी मैं खरीद लेता। ये देखो, ये मैडम जी का तो अलग ही नखरे है भाई, बात करने ही नहीं है इनको। भाई आते क्यों तुम लोग? ओके भाई सब, तो आप बताओ आपको कितना प्राइस में लेनी है? आप निशान GTR की बात कर रहे हैं? 8,00,000 भाई इतना कम प्राइस है? अच्छा ठीक है, गाड़ी का भी उतना ज्यादा प्राइस नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस दूंगा, 11,00,000 आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है, इससे ज्यादा कम 1 रुपया नहीं हो सकती। नहीं लेना भाई, तू जा इधर से भाई, कितना ज्यादा कम कर दिया यार, फिर भी उसको लेना ही नहीं है। ओके भाई साहब, आप बताओ कितना प्राइस बता रहे हो? यार आप तो बहुत ही कम बता रहे हो, आप इधर से निकलो। मैडम जी आप बताओ, अच्छे प्राइस बताओ यार। यार आप निशान GTR का बात कर रहे हो? और ओके आई थिंक 9,00,000 के करीब है, काफी अच्छी प्राइस है, मैं इनको 11,00,000 का ऑफर देखकर देखता हूँ, शायद मान जानी चाहिए। ओके ये नहीं मान रही है, ठीक है कोई बात नहीं, आज तो रात भी हो चुकी है तो मैं जाकर सो जाता हूँ, कल आकर मैं गाड़ियां भेजूंगा। ओके मैं घर तो पहुंच चुका हूँ, तो जल्दी से चलते और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे कस्टमर्स आई थिंक इधर ही रह गए। ओके ये BM M3 की बात कर रही है, 88,000 बहुत ही कम प्राइस है, 70,000 का ऑफर दिया है इसने। यार मेरे को लगता है कि ये गाड़ी को बेचना आई थिंक काफी ज्यादा बेवकूफी होगी, क्योंकि ये गाड़ी क्या है ना काफी ज्यादा रेयर है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसे बेचूं कि नहीं, और वैसे भी $70,000 से तो हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ठीक है इसे मैं बेच देता हूँ, मैंने एक बार कह दिया तो बेच ही देता हूँ, $85,000 का आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है। ये तो मान ही नहीं रही यार, यार क्या हुआ, सारे के सारे कस्टमर्स इतने कम प्राइस क्यों बता रहे हैं? ओके मैडम जी आप बताओ, आपका भी कम प्राइस ही है। अच्छा ठीक है मैं आपसे बार्गेनिंग कर देखता हूँ। देखो 8,00,000 काफी अच्छी प्राइस है, ले लेनी चाहिए आई थिंक। देखो मैंने 50,000 कम कर दिया, आई थिंक बहुत ही अच्छी प्राइस है। भाई सब क्या हो गया यार, इन लोगों को एक भी मान ही नहीं रही है। छोड़ो मेरे को आपको बेचना ही नहीं है, आप भाई साहब आप बताओ। ओके BM M3 की बात कर रहा हूँ, आपका भी ऑफर 70,000 है, चलो ठीक है $85,000 से ऑफर देता हूँ, देखो बहुत ही अच्छी ऑफर है, ले लेनी चाहिए। ये तो नहीं मान रहा है यार, किसी ने मेरे को पिछली बार एक बार कमेंट कर बताया कि अगर आपका जो पे बिल्स रहता है ना, अगर आपने पे नहीं किया तो कस्टमर्स जो है ना आपको बहुत ही कम ऑफर देंगे, तो मैं एक बार बिल्स चेक कर लेता हूँ। ओके मैंने कुछ बिल्स को पे नहीं किया, भाई बहुत सारे बिल्स थे, चलो ठीक है इसे मैंने पे कर दिया, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अभी अच्छे कस्टमर्स आने चाहिए और अच्छे अच्छे प्राइस देने चाहिए, वरना मैं बेकार में 2,00,000 रुपये बिल्स में खर्च कर दिया। ओके ये मैडम जी मेरे को काफी अच्छी लग रही है, इससे बात कर देखते हैं। ओके आप कितना प्राइस बता रहे हो? 9,00,000 आई थिंक काफी अच्छी प्राइस ही बता रहे, अभी तक इतना प्राइस भी किसी ने बताया नहीं। चलो ठीक है मैं इनसे बार्गेनिंग कर देखता हूँ। तो मैं इनको ऑफर देने वाला हूँ 11,00,000 आई थिंक बहुत ही अच्छी प्राइस है, ले लेनी चाहिए। भाई क्या हो गया इन लोगों को, ये तो मान ही नहीं रहे यार, मेरे को बेचना ही नहीं है, चलो निकलो मैडम जी आप इधर से। ओके मैडम जी आप बताओ आप कितने में लोगे? ये देखो यार भाई, शर्म करो भाई, निशान GTR के ऊपर मांग रहे हो, कितना कम प्राइस बोला था, आज का दिन ही शायद खराब है, कितने सारे बेकार के लोग आ रहे हैं, ये आई थिंक अच्छा प्राइस बता रहा है, इनसे बार्गेनिंग कर देखते हैं। देखो 12,00,000 में ले लो, आई थिंक बहुत ही बढ़िया प्राइस है, मैंने 50,000 कम कर दिया, ये तो मान ही नहीं रहा। देखो भाई मेरे को बेचना ही नहीं है, तुम इधर से निकलो। आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी प्राइस बता रहा है, 9,50,000 का, इससे बार्गेनिंग कर देखते हैं। देखो 11,00,000 काफी अच्छी प्राइस है भाई, ले लो। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने एक गाड़ी को बेच ही दिया और अच्छे प्राइस में मैंने बेचा 11,00,000 में। तो अभी इस मैडम से भी बात करते, देखते ये मैडम जी कितना प्राइस दे रही है। ओके करीब $1 मिलियन आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है, मैं काम करता हूँ 12,00,000 की प्राइस ही देता हूँ, आई थिंक अच्छा प्राइस ही है, ले लेनी चाहिए। ओके मेरे को लगा ही था ये लेगा ही नहीं, इसको ना मैं एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करता हूँ, शायद ये मान ले, मैं ना इसे 11,999,000 ऑफर देता हूँ। ओके ये नहीं मान रही है, भाई आप निकलो, भाई आप निकलो। ओके भाई साहब आप बताओ आप कितना प्राइस बता रहे हो? ओके ये भी ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस बता रहा है, 9,57,000।
1000 का। भाई साहब आपको भी सेम ऑफर है, एकदम 12 लाख आई थिंक काफी अच्छी प्राइस से ले लेनी चाहिए। ओके ये लोग तो नहीं ले रहे यार, आज तो सारे के सारे बेकार के ही लोग आए हैं। ओके भाई साहब आप मेरे को एकदम काफी अच्छे लग रहे हो, कितना प्राइस आप भी काफी कम बोल रहे हो। चलो ठीक है मैं आपको 11 लाख का ऑफर देता हूँ, क्या बोलते हो? काफी अच्छी प्राइस से ले लेनी चाहिए। ओके ये नहीं लेगा यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं मानेगा। मैं काम करता हूँ और 1 लाख कम ही कर देता हूँ। ओके ओके इसने मान लिया भाई, जैसे मैंने प्राइस कम किया एकदम फट से ले लिया। चलो ठीक है इस मैडम से बात करते हैं। यार आपका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे को नहीं बेचनी है। ओके ये तो बीएम एंट्री की बात कर रही है, चलो ठीक है मैं इसे सेल ही कर देता हूँ। वैसे भी इस 10,000 में मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये गाड़ी तो मैंने सेम प्राइस में ही बेच दिया। ओके भाई साहब आप कितना प्राइस बता रहे हो? आप तो बहुत ही कम प्राइस बता रहे हो, आपको नहीं बेचना है। आप मैडम जी आप एकदम अच्छे प्राइस बताओ, आप मेरे को अच्छे लग रहे हो तो अच्छा प्राइस बताना चाहिए। ओके ओके आई थिंक उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, मैं इनका 8 लाख का ऑफर देता हूँ, ले लेनी चाहिए। ओके तो इन्होंने ले लिया, आई थिंक काफी अच्छी डील थी, उनको भी काफी कम प्राइस में मिल गया और मेरे को भी अच्छा खासा पैसे मिल गए। तो मैडम जी आपका जो प्राइस है आई थिंक काफी अच्छी है, तो चलो ठीक है 12 लाख में ले लो। ओके ये तो ऐसी नहीं मान रही है, चलो आपके लिए मैं 50,000 और कम कर देता हूँ, आई थिंक ये काफी अच्छी प्राइस है। ओके तो इसने ले लिया है, चलो ठीक है थोड़ी सी मैंने कम कर इन्हें बेच दिया। ओके मैडम जी आप बताओ, आप थोड़ी सी कम प्राइस बता रहे हो लेकिन ठीक है, मैं आपको 11 लाख में काफी अच्छी ऑफर है, आई थिंक ले लेनी चाहिए आपको, क्या बोल रहे हो? नहीं लोगे? चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आपको भी थोड़ी सी 50,000 कम कर दे देता हूँ। ओके ये तो नहीं मान रही है, चलो छोड़ो यार इसको मेरे को बेचना ही नहीं है। ओके भाई साहब आप कितना प्राइस बोल रहे हो? यार आप तो बहुत ही कम प्राइस बता रहे हो। तो गाइस मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनसे बार्गेनिंग करते करते आप भी बहुत ही ज्यादा बोर हो गए होंगे। मैं और ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सारे गाड़ियों को बेचने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगा। तो अभी आप सबसे पहले जाकर एक ही चीज करो, सबसे पहले मेरे को जाकर कमेंट करो कि क्या मैं 100 मिलियन डॉलर्स का गोल जो है कंप्लीट करूंगा और नहीं करूंगा। तो जल्दी से जाओ और कमेंट करो। तो अभी मैं जल्दी से सारे गाड़ियों को बेचूंगा फिर आप लोगों से मिलूंगा। ओके अभी मैंने एक और गाड़ी को बेच दिया है, अभी बस इधर 2 निशान GTR है जिसको मेरे को बेचना है, और अंदर का जो भी गाड़ी है वो तो अभी तक मैंने बेचा ही नहीं, इसको भी मेरे को बेचना है। तो एक एक कर सारे गाड़ियों को मैं बेच देता हूँ। तो ओके गाइस तो नीचे जितने भी गाड़ी थे सारे के सारे गाड़ी को मैंने बेच दिया, लेकिन एक मिनट भाई इधर तो एकदम भीड़ लग गई है, इधर तो बहुत सारे कस्टमर्स है, चलो इनसे बात करते हैं। यार क्या यार बच्चे भी आ जाते हैं एकदम गाड़ियां खरीदने और इतना कम प्राइस बोलते हैं, आप मेरे को एकदम सही बिजनेसमैन लग रहे हो। आपका थोड़ी बहुत बढ़िया ही प्राइस है, चलो 8 लाख आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है, ले लेनी चाहिए। ओके ये तो नहीं मान रहा है भाई, तुम बिजनेसमैन जो भी है इधर से निकलो जल्दी से, बेकार के लोग आ जाते हैं। अगर सच में मैं होता ना तो उतने प्राइस में तो आराम से ले लेता, ये देखो यार इसका भी काफी ज्यादा बेकार का प्राइस ही है। ओके मैडम जी आप बताओ, आप आई थिंक काफी अच्छी प्राइस बतानी चाहिए। चलो ठीक है आई थिंक बेटर प्राइस लग रही है मेरे को, आपको भी सेम मैं 8 लाख का ऑफर देता हूँ। ओके ये नहीं मान रही है यार, मेरे को तो लगा कि बहुत सारे कस्टमर्स आए लेकिन सारे के सारे बेकार ही निकले, एक भी अच्छा प्राइस बता ही नहीं रहा था, सारे के सारे बेकार के लोग ही हैं। तो गाइस अभी इनसे बात करते करते वापस रात हो चुकी है, वो इधर एक निशान जीटर बच गया ही है, इसे बेच देता हूँ। ओके कितना बोल रहे हो तुम? 9 लाख। आप मैडम जी आप बताओ कितना बता रहे हो? ओके आप तो बहुत ही कम प्राइस बता रहे हो, चलो ठीक है अभी मैं इस बच्चे से ही काम चलाता हूँ। तो आपको मैं प्राइस देने वाला हूँ 11 लाख, आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है। ओके ये नहीं मान रहा है, चलो ठीक है अच्छा है, इसीलिए मैं तुमको 40,000 कम करते, आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है, ले लेनी चाहिए। ओके इसने ले लिया, तो चलो अभी तो ऊपर का ही गाड़ी बच गया है और सारे गाड़ियों को मैंने बेच दिया, अभी तो मैं चैन से घर जाकर सो जाने वाला हूँ। ओके तो ये रही मेरी बेड और मैं आराम से सो गया। भाई आज तो काफी अच्छी प्रॉफिट हुई है, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही मैंने लगभग 10 मिलियन डॉलर्स कमा लिया भाई, आई थिंक ये काफी ज्यादा बढ़िया प्राइस है। अभी तो मेरे को और 9 मिलियन डॉलर्स चाहिए पूरे के पूरे 100 मिलियन डॉलर्स कंप्लीट करने में। तो ओके गाइस मैं ऑफिस तो पहुंच चुका हूं, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो नीचे जितने भी गाड़ी थे सारे के सारे गाड़ियों को मैंने बेच दिया। मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं, सिर्फ ऊपर का जो भी गाड़ी है ना वही बच गए, अंदर भी एक भी गाड़ी नहीं है, सारे गाड़ियों को मैंने बेच दिया है। तो अभी चलते हैं जल्दी से ऊपर और देखते हैं उधर कितने सारे कस्टमर्स हैं और उनसे बात करते हैं, बाकी गाड़ी भी बेच देते हैं। तो ओके इधर तो काफी सारे कस्टमर्स हैं, इनसे बात करता हूं। तो गाइस अभी मैं और ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूं, तो मैं सारे गाड़ी को बेचता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं कि ये लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे, तो मैं इनसे बार्गेनिंग कर फिर आप लोगों से मिलूंगा सारे गाड़ियों को बेचने के बाद। अगर ये सब कुछ आप देखते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे और मैं खुद भी इरिटेट हो जा रहा हूं, एक भी अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है अभी मैं जल्दी से बेचता हूं फिर आप लोगों से मिलूंगा। भाई सब इतने सारे कस्टमर्स आए थे लेकिन सारे के सारे कम प्राइस ही बता रहे थे, फिर अभी इधर कुछ कस्टमर्स है इनसे बात करता हूँ।
तो गाइस अभी बस ये आखिरी दो गाड़ी है, इसी पे मैं जल्दी भेज देता हूँ। ओके मैडम जी, आप कितना प्राइस बता रहे हो? आई थिंक 7 लाख, थोड़ी बहुत बेहतर प्राइस ही है आपको। चलो ठीक है, मैं 1 लाख पूरा कम कर दिया, 8 लाख आई थिंक काफी अच्छी प्राइस है। ओके इसने ले लिया, अभी मैं इन लोगों को सस्ते प्राइस में ही भेज दे रहा हूँ। ओके मैडम जी, आप बताओ आप कितना प्राइस बता रहे हो? 6 लाख आई थिंक अच्छा ही प्राइस है आपको, एकदम रीजनेबल और बहुत ही अच्छा प्राइस है। ये अभी भी नहीं मान रही यार, कितना अच्छा प्राइस था लेकिन फिर भी नहीं लेना इसे। चलो ठीक है भाई साहब, आप बताओ आप कितना प्राइस में लोगे? यार आप तो उससे भी कम निकले यार। अभी बस ये आखिरी मैडम जी बची है, इनसे भी बात करते क्या प्राइस बता रही है। ओके यार ये लोग तो सारे कम प्राइस ही बता रहे। खैर ठीक है, मैंने इन्हें भेज दिया। अभी आखिरी कस्टमर था, अभी मेरे पास इतने सारे पैसे है कि मेरे को पैसों की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने इसीलिए सेम प्राइस में ही उसे बेच दिया। तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे गाड़ियों को बेच दिया, एक भी गाड़ी मेरे पास अभी नहीं है, मैंने सारे गाड़ियों को बेच दिया है। इधर देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे निशान GTRs थे, काफी सारे मास्टर्स थे, उन सारे को मैंने बेच दिया। इधर भी मेरे पास शोरूम के अंदर जितने भी गाड़ी थे ये भी मैंने बेच दिया, और ऊपर भी आप लोग को दिखा देता हूँ इधर कितने गाड़ी बचे हैं। तो इधर भी तुम लोग देख सकते हो, तो सारे के सारे गाड़ियों को मैंने अभी बेच ही दिया। तो एक बार मैं आप लोगों को कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ कि कोई गाड़ी बच तो नहीं गया। मेरे पास जितने भी गाड़ी थे मैंने सारे को बेच दिया, इधर तुम लोग देख सकते हो मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। मेरे पास जितने भी गाड़ी थे मैंने सारे गाड़ियों को सेल कर दिया। ओके इधर बिल्स अभी तक आए नहीं, आई थिंक मंडे को आएंगे। तो सारे के सारे गाड़ियों को मैंने बेच दिया। तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे पैसे है। देखो पूरे के पूरे $100 million तो कंप्लीट नहीं हुए, बस $2 million और मेरे को चाहिए थे, अगर वो मेरे पास हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे $100 million तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं कार मार्केट में जाऊंगा, 2-3 गाड़ी पिक करूंगा, तो उनको बेचने के बाद $100 million तो खत्म हो ही जाएंगे। ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और वैसे भी उतना सारा पैसे बचे भी नहीं है, बहुत ही कम चाहिए, वो तो आराम से बन ही जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैं नियर तो आ ही चुका हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट भी कर मेरे को बताओ कि कैसा लगा। तो आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मत।